है, कुकिंग में बेसिक चीज़ें वो रखी हुई है, है ये देखें तो यहाँ पे आप लोग मेट्रेस डाल के भी सो सकते हैं और यहाँ मजे की चीज है ना इज़ इज़ व्यू अमेजिंग कि अगर आप आते हैं शाम को यहाँ बैठ के आप Assalamualaikum guys, this is me Krutlain, and you are watching Pakistani Home Abroad. Welcome back to my YouTube channel. Like always, आपके साथ एक amazing property share करने लगी हूँ जब भी हम दुबई घूमने फिरने के लिए आते हैं या फिर permanent move होने का सोचते हैं तो हमारे mind में सबसे पहली बात ये आती है कि हमें कहाँ रहना होगा कैसी properties होंगी कितनी rental होगी क्या cost होगी महंगा होगा या फिर सस्ता होगा तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अक्सर अच्छा औकात शेयर करती रहती हूँ इन मोस्ट ऑफ माई ब्लॉग्स ताकि जो लोग नए मूव हो रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए सो गाइज आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा ज़बरदस्त अपार्टमेंट शेयर करने लगी हूँ उन लोगों के लिए हु आर कमिंग फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल्स और वो चाहते हैं कि वो होटल के रूम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं लगाए इस अपार्टमेंट की ये हैं यहां पे नीचे आप बैठ के अपनी मीटिंग्स भी कर सकते हैं या फिर और फैमिली के साथ मिल सकते हैं। उसके यहां पे चकूजी सोना और उसके अलावा जिम भी मौजूद है अभी आ गई हूँ मैं अपार्टमेंट आप लोगों को दिखाने के लिए अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि कैसा अपार्टमेंट है इतना ज़बरदस्त फर्निश स्टूडियो है ये एंड बिलीव मी द प्राइज इज अमेजिंग अभी अच्छा जी अब सबसे पहले इसका टूर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बात करते हैं प्राइजिंग पे और उसके बाद बात करते हैं एरिया पे और यहाँ पे इसको रेंट पे लेने की क्या रिक्वायरमेंट्स है सो लेट्स स्टार्ट द टूर एंटर होते साथ ही आप देख रहे हैं दिस इज़ अ किचन और किचन में आप देखें ये कैबिनेट्स लगी हुई हैं बिकॉज दिस इज़ शॉर्ट टर्म स्टूडियो अपार्टमेंट तो इन कैबिनेट्स का इतना कोई यूज़ नहीं होना है लेकिन इसके अंदर चेक करते हैं ये देखिए आप अंदर ये प्लेटें रखी हुई हैं किचन में कप्स रखे हुए बोल्स रखे हुए ग्लास रखे हुए हैं तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी कैबिनेट्स पहले चेक करते हैं यहाँ पे देखें अच्छा ये खाली है यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं और उसके अलावा टोस्टर लगा हुआ है और वाटर कैटल रखी हुई है माइक्रोवेव है स्टोव लगा हुआ है क्लीनिंग का भी सारा स्टफ रखा हुआ है नाइफ्स है सारा जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुकिंग में बेसिक चीज़ें वो रखी हुई हैं उसके यूटेंसिल्स और साथ साथ ये जी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो इसलिए आप लॉन्ड्री भी बाहर से नहीं करवानी पड़ेगी आप जस्ट इधर वॉश करके तो घर पर इस्तरी करना चाहें तो घर पे आयरन कर लें अदरवाइज जस्ट टेक योर आउट आउटसाइड फॉर आयरनिंग अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं नहीं हमें बल्कि पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं बाथरूम क्योंकि बाथरूम बिल्कुल इधर ही है करीब ये देखें ये एक छोटा सा बाथरूम बना हुआ है बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हमें जरा दिखाइएगा अंदर जाए नीट एंड क्लीन बाथरूम है पावर कैबिन बना हुआ है और जी चलें अब आगे चलते हैं यहाँ पे इधर भी ये देखें ये लगा हुआ है जी फ्रिज और फ्रिज के अंदर दूध अंडे वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रेंटल है शायद जो लोग अभी छोड़ के गए हैं रिसेंटली तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें छोड़ी हैं तो आप भी इसी तरह यहाँ पे आके अपनी चीज़ें लेके रख सकते हैं और बाहर से खाने को दिल कर रहा हो तो इसी सेम बिल्डिंग में नीचे कैफ़े भी बना हुआ है वहाँ बैठ के आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं और उसके अलावा इसको चेक करते हैं अच्छा ये नीचे इसका फ्रीज़र बना हुआ है ये देखें ये नीचे फ्रीज़र है तो मतलब सब कुछ यहाँ पे है अच्छा फ्रिज एंड फ्रीज़र हो गया यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है इफ यू वॉन्ट टू सी यूर से जरूरत होती है, है तो स्टूडियो अपार्टमेंट में लाउज एंड बेडरूम एक ही होता है यहाँ पे इतनी बड़ी कबड़ लगी हुई है ये देखें तो जब आप वैसे ही टूरिज्म के लिए आते हैं या फिर शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं तो आपके पास इतना ज्यादा सामान नहीं होता है तो उसके लिए ये इतनी बड़ी कबर काफी है ये देखें भी सारे हैंगर्स भी लगे हुए हैं और आप अपने कपड़े भी उन उनपे हैंग कर सकते हैं आपको हैंगर्स वगैरह लाने की भी जरूरत नहीं है और उसके साथ साथ जी आप फर्नीचर देखें फर्नीचर बहुत अच्छा है अपार्टमेंट बहुत कोजी है स्टोरेज बहुत है और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है तो जी अगर एक लग्जरी अपार्टमेंट होगा अगर आप घूमने फिरने आते हैं आपको तभी मजा आएगा घूमने फिरने के अलावा अगर आप काम के लिए भी आते हैं तो हर इंसान चाहता है टू सेव सम मनी तो जी होटल का जो कमरा होता है वो आपको मिनिमम 400 टू 500 हंड्रेड दिन हमें पर डे पड़ता है तो ये जो अपार्टमेंट है इसकी प्राइस मैं आपको एंड में बताती हूँ और यहाँ पे ये देखें ये सोफा भी लगा हुआ है यहाँ पे और कोजी सी चेयर भी लगी हुई है टेबल भी है यहाँ पे ये देखें अगर आपके साथ मतलब आप हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चे हैं तो आप इसी स्टूडियो को यूज कर सकते हैं या आपके साथ कोई फ्रेंड्स इस तरह मिल आ रहे हैं या कोई फ्रेंड्स आपके वैसे यहाँ पे आपको मिलने आते हैं तो यहाँ पे आप लोग मैट्रेस डाल के भी सो सकते हैं और यहाँ पे इस साइड पे देखें ये बेड लगा हुआ है डबल बेड है बेड है बेड इज क्वाइट कंफर्टेबल बहुत अच्छा है क्योंकि शॉर्ट स्टे में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि, है कि हमारा बेड कम्फर्टेबल हो तो ये बेड और इसके जो पिलोज हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल और जी साइड ड्रॉ भी हैं, लैम्प भी लगे हुए हैं और उसके बाद जी बिल्कुल बेड के सामने यहाँ पे टीवी लगा हुआ है और टीवी के नीचे जी फिर इतनी सारी स्पेस है यू कैन यूज दिस इन corner देर इज अ डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल है एक चेयर डाइनिंग टेबल की इधर रखी हुई है और एक रखी हुई है उधर कबर के अंदर तो आप उसको यूज कर सकते हैं अच्छा इस अपार्टमेंट के अंदर जो मुझे सबसे मजे की चीज लग रही है ना दैट इज ये विंडो के मतलब पूरी विंडो जो है दैट इज ग्लास विंडो व्यू इसका बहुत ही जबरदस्त है सामने ही इतने खूबसूरत से घर बने हुए हैं बेंगलोर फेसिंग बालकनी है अभी मैं बाहर चलती हूँ और आपको बालकनी दिखाती हूँ बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ आ आज एयर टाइट बना हुआ है कि अंदर डस्ट भी नहीं आए बाहर इन्होंने कपड़े ड्राई करने वाला स्टैंड भी रखा हुआ है और उसके साथ साथ एक चेयर भी पड़ी हुई है लेकिन जो सबसे मजे की चीज़ है ना दैट इज व्यू इज अमेजिंग कि अगर आप आते हैं शाम को यहाँ बैठ के आप इंजॉय करें बाहर का व्यू देखें इतना खूबसूरत व्यू है और अच्छा व्यू में बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं वो गोल्फ कोर्स है अगर आप गोल्फ लवर हैं तो अब मुझे ये नहीं पता वहाँ पे जस्ट Uh, कोई भी जा सकता है या फिर जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन गोल्फ़ कोर्स का व्यू है और साथ साथ ये सारे विलज हैं बहुत ही खूबसूरत और ये कम्यूनिटी उधर देखें जी काफ़ी सारी डिवेलपमेंट चल रही है और यहाँ पर आपको पता है इतने सारे घर इस टाइम दुबई के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट्स प्लान पर मिल रहे हैं कि आप टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट आज अंदर चलते हैं टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट पे करें और फिर जी आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल जाती है आप उसमें रहें अच्छा अभी यहाँ पे एक और मैं बात करती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल का बहुत सारे लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल और एयर बी एन बी का काम करना चाहते हैं सो आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन कि इस टाइम दुबई में एयर बी एन बी शॉर्ट टर्म रेंटल इज ऑन हाइप दिस इज द टाइम अगर आप करना चाहते हैं ये काम तो आपका अपार्टमेंट खाली ही नहीं रहेगा बिकॉज इट्स बिन जस्ट वन डे आई हैव पोस्टेड अ शॉर्ट वीडियो ऑफ शॉर्ट टर्म रेंटल एंड कैन यू बिलीव मी मुझे थाउजेंड ऑफ़ मैसेजेज रिसीव हुए हैं द पीपल आर कमिंग फ्राम इंडिया पाकिस्तान कैनेडा यू एस एंड दे आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल बिकॉज दिस इज़ द इकनॉमिकल ऑप्शन है India, Pakistan, Canada, USA, तो कि इंसान जब घूमने फिरने भी जाता है तो उसका एक ही मूड होता है कि पैसे भी बच जाएँ और साथ साथ इंजॉयमेंट भी हो जाए तो ये जी हमारा टूर हो गया है कम्प्लीट अब बात करते हैं कि इसकी प्राइजिंग क्या है और इसको लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छा जी तो अब बात कर लेते हैं इसकी रेंटल पे इसकी डेली इसका रेंट क्या है इसका वीकली रेंट क्या है और इसका मंथली रेंट क्या है अच्छा जी अब शॉर्ट टर्म रेंटल की अगर बात करें अगर आप डेली बेसिस पे लेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है मतलब अगर आपने वन डे दे, टू डेज के लिए लेना है तो इसका रेंट है थ्री हंड्रेड पर डे और अगर आप टू डेज के लिए लेंगे तो इसी तरह सिक्स हंड्रेड और अगर आप वन वीक के लिए लेते हैं तो इसलिए फिर आपको कुछ सस्ता पड़ता है लाइक सेवन टीन हंड्रेड पड़ेगा ये आपको पर वीक और इसी तरह अगर आप पर मंथ लेते हैं तो ये आपको और ही सस्ता आपको पड़ेगा सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड दर पर मंथ तो इस वजह से जी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब आप घूमने फिरने के लिए आए तो ऑलवेज प्रेफर शॉर्ट टर्म रेंट इंस्टेड होटल क्योंकि होटल आपको थ्री स्टार प्रॉपर्टी में फोर टू फाइव हंड्रेड पर नाइट पड़ता है या थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड लाजमी पड़ता है तो यहाँ पे आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं और साथ साथ आपको लग्जरीज भी मिल जाती हैं जैसे जकूजी सोना हो गया और उसके अलावा जिम वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इंट्रस्टेड है फॉर दिस शॉर्ट टर्म रेंटल या फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म रेंटल में तो आप मुझे कमेंट करें मैं आपकी उस मैटर में हेल्प करूँगी ये रेंटल का मैं खुद काम नहीं करती हूँ लेकिन मैं आप लोगों की इसमें हेल्प कर दूँगी मैं कोलेबरेट करती हूँ इन प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं आप लोगों को ऐसे रिव्यूज़ देती हूँ जो कि ऑथेंटिक होते हैं मैं वो रिव्यूज़ देती हूँ जिसमें मेरे फॉलोअर्स का भला एंड करती हूँ आज के ब्लॉग में यहाँ पर और मिलते हैं एक नए व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू बाय